जीएसटी के तहत पंजीकरण। टुडे हम जानेंगे जीएसटी के तहत पंजीकरण के महत्वपूर्ण पहलू। पंजीकरण सभी टैक्स में आवश्यक है, यानी ये इनकम टैक्स हो या अप्रत्यक्ष कर जीएसटी हो, टैक्स के दायरे में आने के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है। जीएसटी के पंजीकरण के महत्व पहलुओं हम प्रश्न और उत्तर के स्वरूप में समझेंगे। तो पहला प्रश्न है, पंजीकरण क्या है? संबंधित अधिकारियों से विशिष्ट प्रकार का कोड प्राप्त करने की प्रक्रिया को जीएसटी में पंजीकरण कहते हैं। वो विशिष्ट प्रकार का कोड है GSTIN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी हमें प्रश्न है कि हमें पंजीकरण कौन से राज्य से करवाना है। तो पंजीकरण हमें जहाँ से टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज सप्लाई होती है वह राज्य से हमें प्राप्त करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक बात आपको नोट करनी है, कर गंतव्य राज्य को प्राप्त होता है, लेकिन पंजीकरण हमें जहाँ से टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज सप्लाई होती है वहाँ से करवाना है। अभी हम जानते हैं पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है। सो व्हाट आर द प्रोसेसेस? उसके लिए हमें जीएसटी पोर्टल gst.gov.in पे जाना है। वहाँ एक रजिस्ट्रेशन विंडो है, वहाँ से हमें पंजीकरण आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होगा। वह फॉर्म पार्ट ए और पार्ट बी में विभाजित किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें वो आवेदन पत्र भरना है, उसके बाद हमें जो मांगे हुए दस्तावेज है उनको फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, संलग्न करना है, और बाद में हमें फॉर्म सबमिट करना है। अभी ये जो दस्तावेज है वो क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। पैन कार्ड, फिर आपके कारोबार संबंधित जो आपके एड्रेस है उसके प्रूफ देने हैं, कारोबार अधिकारियों के फोटोग्राफ्स देने हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है, और बाकी सूची आपके पाठ्यक्रम में दी गई हुई है। एक बार आपके आवेदन पत्र को कर अधिकारियों को मिलने के बाद वह आपके फॉर्म की स्क्रूटिनी करेंगे। अगर सभी भरी हुई माहिती और दस्तावेज नियमानुसार पाए गए तो 3 दिन के अंदर आपको जीएसटी नंबर और प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। अगर ये नियमानुसार नहीं है और उनको विशेष माहिती चाहिए तो नोटिस रूप में वह आपको एक जानकारी देंगे और बाकी की प्रक्रिया आपको पूरी करनी है। अभी हमें जानना है कि ये रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के क्या क्या फायदे हैं। पंजीकरण करने के बाद रजिस्टर्ड व्यक्ति को एक रजिस्टर्ड दर्जा जीएसटी में प्राप्त होता है। वह जब कुछ भी माल वह बेचते हैं तो उस पर वह जीएसटी ले सकते हैं, और उसके साथ अपनी खरीदारी पर भुगतान किए हुए कर की इनपुट टैक्स क्रेडिट भी प्राप्त कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ITC बेनिफिट है। अभी यहाँ हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए कब उत्तरदायी होता है। इसके लिए हम इनको 4 श्रेणी में विभाजित करते हैं। एक सामान्य श्रेणी जो कुल कारोबार की लिमिट पर आधारित है, दूसरी अनिवार्य यानी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जिसमें कुछ भी कारोबारी छूट नहीं दी हुई है, तीसरी छूट यानी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी जिन्हें पंजीकरण करवाना आवश्यक नहीं है, और चौथी संक्रमणकालीन यानी जूनी कर सेवा पद्धति में जो रजिस्टर्ड थे वहाँ से माइग्रेट होके जीएसटी में आए हुए पंजीकृत व्यक्ति। अभी हम पहले सामान्य कारोबारी कैटेगरी के बारे में जानेंगे। सो यहाँ उन्होंने एक थ्रेशोल्ड लिमिट जीएसटी लॉ में दी हुई है। सो सामान्य राज्य में 20 लाख रुपए और उत्तर पूर्वीय राज्य में 10 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट दी हुई है। अभी हाल में आए हुए जीएसटी काउंसिल के डिसीजन के मुताबिक यह 20 लाख की लिमिट 40 लाख करने की उन्होंने घोषणा की हुई है। अभी मित्रों, हमें प्रश्न होगा
ये 20 लाख रुपए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो उसके लिए कुल कारोबार लिमिट यानी एग्रीगेट टर्नओवर के लिए कुछ नियम बताए दिए गए हैं, जिसमें हमें हमारा टोटल टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर, जीरो रेटेड टर्नओवर यानी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, नील रेटेड टर्नओवर और अंतरराज्यीय जो भी हमने सप्लाई किया है वह सब टर्नओवर की इस 20 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट की गणना करने में जोड़ना है। पर यहाँ एक बात ध्यान में रखें कि हमें हमारा जो हमने रिवर्स चार्ज पे जो सप्लाई है वह हमें यहाँ नहीं जोड़ना है। सो ये हो गई प्रक्रिया और टोटल टैक्सेबल टर्नओवर की। और कुछ हम जानकारी लेते हैं मैंडेटरी कैटेगरी, यहाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर, फिर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर को अपनी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं, अंतरराज्यीय जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है और बाकी भी बहुत सारी बताई गई हुई है जो हम पाठ्यक्रम में जानेंगे, यह सब आते हैं हमारी मैंडेटरी कैटेगरी में। अभी हम और भी कुछ पहलू जान लेते हैं पंजीकरण के बारे में। पंजीकरण एक पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है। तो जब हम पंजीकरण के लिए टैक्सेबल टर्नओवर की गणना करते हैं तो मानो कि मेरी एक ब्रांच मुंबई में है, दो ब्रांच चेन्नई और गुजरात में है, तो एक पैन के अंदर अखिल भारतीय में आपकी जितनी शाखाएं हैं सब ब्रांच का कारोबार आपको कंसीडर करना है वो 20 लाख रुपए की गणना करने में। उसके अलावा आपके जितने बिजनेस की एड्रेस है वो सब माहिती आपको पंजीकरण करने के समय देनी है। अभी हम कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति या कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। उसमें फर्स्ट है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, बिन रहवासी व्यक्ति, जिसके लिए उनके पास भारत में बिजनेस के लिए कोई अपनी जगह नहीं है पर वह यहाँ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए एक अच्छा उदाहरण है गो डैडी जो सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें यह कैटेगरी NRTP नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन में पंजीकृत होना है। और दूसरा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मानो कि मेरा रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र स्टेट में हुआ है लेकिन मैं जयपुर कुछ मेरे बिजनेस सिलसिले में 3 महीने जा रही हूँ, तो मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तहत मेरा रजिस्ट्रेशन ले सकती हूँ। उसके लिए पूरी प्रक्रिया बताई गई हुई है। पर यहाँ एक विशिष्ट बात ध्यान में रखनी है, जब आप सामान्य कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करवाते हो आपको कभी भी टैक्स एडवांस में भुगतान नहीं करना है, पर यह नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जब वो आवेदन पत्र सबमिट करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उन्हें अपना एस्टिमेटेड टैक्स जो वो अपने आगामी दिनों में करने वाले व्यापार पे कलेक्ट करने वाले हैं वो उनको एस्टिमेट करके रजिस्ट्रेशन के समय उनको कर वो भुगतान कर देना है। सो फ्रेंड्स, यह सब हमने जाना रजिस्ट्रेशन के बारे में। सो यहाँ एक हमने क्या जाना कि महत्वपूर्ण बात, GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, गंतव्य स्थान बेस्ड टैक्स है, पर रजिस्ट्रेशन हमें वह जगह करना है जहाँ से गुड्स और सर्विसेज हम सप्लाई करते हैं। थैंक यू।